जय जय श्री राम। आज दधीच मेमोरियल पब्लिक स्कूल के समारोह में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये अभी हमारे सतवीर सिंह यादव बता रहे थे कि इस विद्यालय से पढ़ करके एक इनका भतीजा है वो IIT तक पहुंचा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं देखता हूँ बहुत छोटी सी बिल्डिंग में पहले शुरू किया था काम, मैं तो काफी पहले से विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ और आज सबसे श्रेष्ठ पढ़ाई होती है तो हमारी दलित मेमोरियल पब्लिक स्कूल में होती है। शिक्षा विकास का मुख्य द्वार होता है, शिक्षा के बल पर ही हम कितनी भी ऊंचाई पर जा सकते हैं। आप देखते होंगे दो चीज होती है, एक शिक्षा और एक विद्या। विद्या के बल पर तो आदमी अपनी रोजी रोटी चला सकता है, लेकिन शिक्षा के बल पर देख रहे होंगे कि आप शिक्षा के बल पर IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो आपकी बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, बहुत मान सम्मान होगा। और विद्या के बल पर तो केवल अपना व्यापार चला सकते हैं, बाकी कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। और जिसके पास दोनों चीजें होंगी, शिक्षा भी हो और विद्या भी हो, वो बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। ये भाई बैठे हुए हैं, इनको भी थोड़ी एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली के कार्यक्रम में था तो वहाँ रास्ते में जाते समय मत वापसी में दो भाई भाई बात कर रहे थे, बोले भाई ये बताइए, तो दोनों अपने पहले कहीं कहीं नौकरी थी, एक गांव के रहने वाले थे। उन्होंने कहा भाई अब रिटायर हो गए, आप बताएं कि आपने अपने बेटे को क्या किया। तो एक बोलता है क्योंकि मैंने, मेरे पास दो बेटे हैं, दोनों बेटों को मैंने इतना बढ़िया आलीशान मकान बनवाया है कि जो है 2 किलोमीटर दूर से ही ठीक है। फिर वो कहते हैं भाई तुम बताओ आपने क्या किया है, तो वो कहते हैं कि मैंने अपने बेटों को अच्छी शिक्षा दिलवाई, एक मेरा बेटा IAS है और एक मेरा बेटा डॉक्टर है, मैंने घर मकान नहीं बनाए, किसी के पास जाकर के रह लूंगा, कोई मेरे लिए परेशानी नहीं आएगी। तो वो बढ़िया है या मकान वाला बढ़िया है? इसलिए आप सभी, मकान तो कोई भी बना सकता है लेकिन बच्चों को शिक्षा के माध्यम से आप IAS और PCS बनाने का कार्य करें। तो मेरा कहना है कि अभी सभी आप अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं। मेरे लायक कोई कार्य हो मैं हर समय आपके बीच में रहता हूं, जब याद करोगे जब ही आपके बीच में उपस्थित होंगे। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि दधीची मेमोरियल स्कूल हमारा जिले नहीं प्रदेश में अपना नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत।